हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन्स मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। जय छठी मैया। आज से छठ पूजा का व्रत है वो शुरू हो गया है और आज है नहा खा, पहला दिन होता है। तो आज बनेगा खाना चावल दाल लौकी की सब्जी और बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी कि खाने में क्या क्या बन रहा है। और ये मेरा भतीजा है, से हाय। और अभी मैं सब कुछ दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। तो अभी मेरा भाई है बड़ा वाला, उसको ड्यूटी मिला है बच्चों को संभालने का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। वन सेकेंड गुडी, क्या बना रही हो? आलू गोभी की सब्जी। और क्या है? चने की दाल, कद्दू की सब्जी, चावल, चटनी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मेरी भाभी है, ब्यूटीफुल भाभी। और ये लोग खाना बना रही है। जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही है छत के ऊपर। वो गेहूं सुखाते हैं ना धोके, तो चलिए दिखाती हूँ मैं सब कुछ। छत पे चलते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। धूप मम्मी गेहूं धो के उसको सुखा रही है, क्योंकि धो के ही सुखा के आटा पिसवा के ही प्रसाद बनता है। अगर जहाँ व्यवस्था ना हो वहाँ लोग पैकेट वाला ही आटे का बनाते हैं, बट जहाँ होता है वो लोग गेहूँ के धो के साफ़ सुथरा करके सुखा के ही करते हैं। तो चलिए अब मैं उसके बाद अब थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या बना है खाने में सब सामान। और ये सब बर्तन भी साफ़ सफाई, बहुत इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। तो ये सब पूजा के लिए सारे बर्तन धोया गया है। अच्छे से फोटो नहीं आ रहा हो क्योंकि बहुत धूप है छत पे, बट फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरी भाभी आ गई जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते। आटा बना है, चना का दाल, रोटी, चावल, ये है लौकी की सब्जी, चटनी, आलू गोभी की सब्जी, ये। और ये मम्मी शुरू कर रही हैं खाने का। ये है छठ के नहा खा का खाना जो बनता है, इसमें लहसुन प्याज नहीं लगाते हैं। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल, जिसमें खरना का बोलते, खरना होता है इसमें खीर रोटी बनता है। और मम्मी खाना निकाल रही है सबके लिए और मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। तो चलिए धन्यवाद देखने के लिए। जय छठी मैया। और हम लोग अब खाना शुरू कर दिए हैं, बोलते प्रसाद खाते भी हैं अच्छे से सीट ढक के और अच्छे से बैठ कर एक जगह खाना होता है। ऐसा नहीं है पूरे दिन हम लोग खा सकते हैं यही खाना, चावल दाल रोटी सब्जी, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। कल रहेगा पूरे दिन का व्रत और रात को बनेगा गुड़ वाली खीर रोटी, ये खाएंगे रात को और फिर उसके दूसरे दिन व्रत रखेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए।